मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसान भरेंगे हुंकार, 300 किसान संगठन महापंचायत में होंगे शामिल। महापंचायत को लेकर यूपी पुलिस प्रशासन अलर्ट। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। हरियाणा में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने पर चर्चा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। रेवाड़ी को विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में 47.27 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस अधिकारी और 26 एचसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। प्रदेश सरकार ने जारी किए तबादले के आदेश। एक बार फिर हुआ हरियाणा न्यूज की खबर का असर, ट्रक ड्राइवर से मारपीट के मामले में 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। सोनीपत एसपी जश्नदीप रंधावा ने जांच के आदेश दिए। फतेहाबाद में नकली इंजन ऑयल बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सीएम फ्लैग ने देर रात छापेमारी कर 1880 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया। एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। देश में कोरोना के 42,766 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में कोरोना से 308 मरीजों ने जान गंवाई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 4,10,000 के पार। हरियाणा में कोरोना से 9 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीजों की जान गई। एक दिन में कोरोना से 13 मरीज रिकवर हुए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिला एक और गोल्ड। कृष्णा नगर ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल। गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने कृष्णा नगर को बधाई दी। और नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने सुहास को जीत की बधाई दी।